आज है आखिरी चरण का मतदान, जारी है वोटिंग। लोकसभा चुनाव 2019 के सातवें और अंतिम चरण का मतदान आज हो रहा है। इसके तहत लोकसभा सीट की 59 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। 8 राज्यों में करीब 10.17 करोड़ मतदाता इस चरण में 918 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। आज केदारनाथ गुफा से निकलकर बद्रीनाथ जाएंगे पीएम मोदी। शनिवार को प्रधानमंत्री केदारनाथ में दर्शन करने पहुंचे, तो उसके बाद वह गुफा में ध्यान लगाने भी गए। आज प्रधानमंत्री मोदी ध्यान खत्म करने के बाद बद्रीनाथ भी जाएंगे। नीतीश कुमार ने लंबी मतदान प्रक्रिया पर उठाए सवाल। आज नीतीश कुमार भी वोट डालने पहुंचे और लंबी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाया। नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए, हर चरण के बीच काफी दिनों का अंतर रखा गया, ज्यादा चरणों में चुनाव होने का कोई मतलब नहीं है, इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। पूजा के बाद पीएम मोदी बोले, 2 दिन के आराम के लिए चुनाव आयोग का आभार मानता हूं। पीएम मोदी ने केदारनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने इस यात्रा के संबंध में चुनाव आयोग का आभार जताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का आभार है कि मैं 2 दिन आराम कर पाया। आराध्या बच्चन का डांस हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। शामक डावर के इंस्टीट्यूट फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में आराध्या ने शानदार परफॉर्मेंस देकर सभी के होश उड़ा दिए। समर फंक 2019 के इस खास मौके पर अपनी बेटी आराध्या को सपोर्ट करने और चेयर करने के लिए उनकी फैमिली भी मौजूद थी। देश और विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।